नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनुपमा लाभे आपका दूसरा लेक्चर कंपनी संनियम के लेने के लिए आज यहाँ प्रस्तुत हूँ। तो चलिए, पहले इसमें मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी थी कि कंपनी अधिनियम क्या होता है और मैंने आपको सिलेबस भी लिखवा के दिया था। आज हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, कंपनी की परिभाषाएं क्या है। लेकिन ये सब समझाने के पहले मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बताने वाली हूँ जिनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हम लोग इंग्लिश में करते हैं। अगर हम लोग अपनी पेपर में भी यही ये वर्ड को इंग्लिश में लिखे ये शब्दों को इंग्लिश में लिखे तो भी हमारे मार्क्स के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता है। तो यदि आपको ये शब्द जो है वो अगर कठिन लग रहे हैं या तो मेरे समझाते वक्त बार बार मैं इन शब्दों का उच्चारण करती हूँ तो आप समझ लीजिए कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि आपका जो कंपनी लॉ है, आपका कंपनी अधिनियम या संनियम हम लोग जिसे बोलते हैं, उसमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी महत्वपूर्ण विषय है। तो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी को हिंदी में बोला जाता है निगमित कंपनी, या तो हम लोग कहते हैं समामेलित, जिसका समापन किया जाता है, ऐसे कंपनियों को कहा जाता है इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। दूसरा होता है समापन, समामेलन यानी कंपनी की स्थापना, समापन यानी जब कंपनी को बंद करते हैं, दैट मीन्स वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। दूसरा होता है फिर बाद में निगमन पत्र, निगमन पत्र का मतलब ये है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब तक के आपको प्राप्त नहीं होता है तब तक के आप अपनी कंपनी का कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते हो। फिर आता है पृथक वैधानिक अस्तित्व, ये कंपनी की बहुत बड़ी विशेषताएं हैं जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इन दो शब्दों को मैं हरदम, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा बार इंग्लिश में ही कहो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हिंदी में कहा जाता है पार्षद सीमानियम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को कहा जाता है पार्षद अंतरनियम। ये कंपनी की अंतर्गत जो हमारी विधियाँ है या रूल्स और रेगुलेशंस है उसको बताने का काम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन करते हैं और हमारी कंपनी की सीमाएं यानी हमारे कंपनी का स्कोप कहाँ तक है ये बताने का काम हमारे पार्षद सीमानियम यानी कि हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन करता है। फिर है प्रबंध, जिसे हम लोग जनरली मैनेजमेंट करके बोलेंगे। कंपनी का मैनेजमेंट कौन देखता है? तो कंपनी का मैनेजमेंट उसके डायरेक्टर देखते हैं। तो डायरेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? संचालक। संचालक यानी होता है डायरेक्टर। हस्तांतरण यानी उसे हम लोग कहेंगे ट्रांसफर। संशोधन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि हमारे कंपनी अधिनियम 1956 में बहुत सारे संशोधन किए गए थे। संशोधन यानी अमेंडमेंट्स। अब ये अमेंडमेंट्स इतने ज़्यादा हो गए थे कि अभी हमें और कुछ बदलाव करना था तो हमें फिर से बदलाव लाना यानी अमेंडमेंट्स लाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए हमने क्या किया, एक नया कंपनी एक्ट बनाया जिसको नाम दिया हमने 2013। फिर प्रावधान, प्रावधान होता है प्रोविजंस। फिर होते हैं प्रलेख, प्रलेख यानी डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको हरदम कंपनी के रजिस्ट्रार के पास फाइल करने होते हैं यानी प्रस्तुत करने होते हैं, उसके बाद ही उसका कोई इफेक्ट जो है आपके काम का जो पे हो सकता है या उसका असर जो है वो होता है। नहीं तो अगर आप कुछ भी रजिस्ट्रार के पास नहीं देते हैं तो आपकी कंपनी में आप जो भी बदलाव करना चाहते हैं या फिर जो भी आप रेजोल्यूशन पास करते हैं उसको फाइल नहीं करोगे तो उसका परिणाम कुछ भी वैध माना नहीं जाएगा। फिर होती है धाराएं, धाराएं यानी क्या होता है सेक्शंस। कंपनी की कोई भी परिभाषा हो, कंपनी के बारे में कोई भी प्रावधान बनाए गए हो, वो पूरे के पूरे हमें धाराए यानी सेक्शंस में बताए जाते हैं। और होती है अनुसूचियाँ, जिसे हम लोग कहते हैं स्केड्यूल्स। ये स्केड्यूल्स जो होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रावधानों के लिए बनाए गए हुए हैं। जैसे स्केड्यूल्स है वो ज़्यादातर हम लोगों ने उसका ये जो देखा है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में देखा हुआ है।
तो ये मैंने कुछ आज जो मैं बताने वाली हूँ उसके जो इंग्लिश के शब्द है, जिस हिंदी में जो शब्द है उन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है वो बताए हुए है। या आप ध्यान में रखिए या तो उसको आप अलग से अपने पेज पे या अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हो सकता है मैं बार बार हिंदी का उपयोग ना करूं, मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलूं पार्षद सीमा नियम ना बोलने के लिए, मैं प्रोविजंस बोलूं प्रावधान ना बोलने के लिए, मैं अमेंडमेंट्स बोलूं संशोधन ना बोलने के लिए, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, इसलिए आप चाहे तो इससे पहले अपने इसमें लिख लीजिए। तो चलो अभी अब हम शुरू करते हैं हमारे कंपनी लॉ को। सबसे पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन यानी परिभाषाएं, परिभाषा। परिभाषा हमें किसकी देखनी है अभी आज? कंपनी की। अलग अलग लोगों ने कंपनी को अलग अलग तरीके से अपने शब्दों में दिया हुआ है, प्रस्तुत किया हुआ है। उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुख्य न्यायमूर्ति मार्शल ने कंपनी की क्या परिभाषा दी है। चलिए देखते हैं, इन्होंने कहा है निगम एक कृत्रिम व्यक्ति है। अब फिर से निगम यानी क्या है? निगम यानी फिर से कंपनी, या हम लोग जिसे कह सकते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ठीक है। तो निगम एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम क्यों कहा गया है? कृत्रिम बोलने का अर्थ क्या है? कृत्रिम इसलिए बोला गया है क्योंकि इसका जो जन्म है, इसकी जो स्थापना है, हम लोग पहले जन्म ही बोलेंगे, वो एक हमारे जैसे साधारण जन्म उसने दिया हुआ नहीं है। उसे जन्म दिया गया है, किसने दिया है? कानून ने, ठीक है। इसलिए ये हमारे जैसे चल फिर नहीं सकती है, लेकिन कंपनी एक कानून के नजर में अपना अस्तित्व रखती है और उसे हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। इसलिए पर्सन कह के तो हम लोग, व्यक्ति कह के तो हम लोग उसको संबोधित कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति कैसे नहीं, हमारे जैसे व्यक्ति नहीं है, इसलिए हम लोग उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम व्यक्ति है। निगम एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। यह अदृश्य, अदृश्य यानी हम लोग देख नहीं सकते हैं। हम लोग कंपनी चल रही है, कंपनी फिर रही है, वो देखो वो कंपनी, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि वो हमें दिखती नहीं है, इसलिए वो कैसी अदृश्य है। हाँ, लेकिन उसकी बिल्डिंग देख सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं ये कंपनी की बिल्डिंग है। जैसे कि एक मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, आप कहोगे मेरे घर के सामने से जा रहे हो तो बोलोगे लाभे मैडम का घर है, लेकिन ये क्या है? घर है लाभे मैडम का, लेकिन आप लाभे मैडम को भी देख सकते हो या लाभे मैडम को दिखा भी सकते हो, लेकिन जब हम लोग कह रहे हैं ये कंपनी की बिल्डिंग है तो आप बिल्डिंग तो जरूर दिखा सकते हो, लेकिन क्या आप कंपनी को दिखा सकते हो? नहीं। इसलिए उसे क्या कहा गया है? अदृश्य। और वो अदृश्य क्यों है? क्योंकि उसको बनाया गया है कानून के तहत। अमूर्त होता है। अमूर्त यानी फिर से जिसको स्वरूप नहीं है, जिसका मूर्त रूप नहीं है। जैसे कि मेरा मूर्त रूप है तो आप मुझे देख सकते हो, लेकिन एक कंपनी का मूर्त रूप नहीं है, इसलिए हमने उसे क्या कहा है? अमूर्त होता है। तथा किसके नजरों में ऐसे? केवल कानून की निगाह में ही अस्तित्व रखता है। और इसका अस्तित्व किसकी निगाहों में है? सिर्फ कानून की निगाहों में है। कानून ही इसकी स्थापना करता है और कानून के अंतर्गत ही इसका समापन भी होता है। मैंने कहा था वाइंडिंग अप, यानी क्या है? अस्तित्व में भी आती है तो एक कानून के तहत आती है, और उसका खत्म भी होना यानी समापन भी होना, वो भी किसके तहत ये होता है? वो भी कानून के तहत ही उसका निर्धारण किया जाता है कि क्या कंपनी को चलाते रहना है या कंपनी को अभी बंद करना है। तो इसीलिए इनके द्वारा इन्होंने क्या कहा है, ये क्या है? सबसे पहली विशेषताएं देखिए जो कि न्यायमूर्ति मार्शल जी ने बताई है। उन्होंने कहा कि एक कृत्रिम व्यक्ति है, अमूर्त है, अदृश्य है, और ये सिर्फ इसका एग्जिस्टेंस यानी इसका अस्तित्व ये सिर्फ किसके नजरों में है? कानून के नजर में है, ठीक है। इसीलिए इसे कहा जाता है लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी, लीगल एंटिटी मैंने आपको पहले ही कहा था, लीगल एंटिटी क्या होती है? वैधानिक अस्तित्व, ठीक है। चलिए अभी हम लोग दूसरी डेफिनेशन देखते हैं जो कि दी हुई है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 20। थोड़ा ध्यान दीजिए और अच्छे से यहाँ पे देखिए क्या कहा है। ये धारा
ये जो है 2 और ये है 20, उसी धारा के 2013 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, इसे कहा जाता है धारा, जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसे कहा जाता है धारा, और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है उसे बोला जाता है उपधारा। ठीक है, जब आप बोलोगे तब दो ब्रैकेट में 20 ऐसा नहीं बोलना है, हम लोग क्या कहेंगे, धारा 2 उपधारा 20। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 20 के अनुसार कंपनी से आशय, कंपनी से आशय मीन्स मीनिंग ऑफ कंपनी, इस अधिनियम के अधीन या फिर इस अधिनियम के अधीन, यानी ये क्या है अधिनियम, इसे हम लोग क्या कहेंगे अधिनियम, ये अधिनियम के अंतर्गत कुछ क्या बनाए होंगे प्रावधान। अगर मुझे मेरी कंपनी का समामेलन करना है तो मुझे कुछ ना कुछ प्रावधानों को देखना जरूरी होता है, और वो मुझे कौन से प्रावधान देखने हैं ताकि मैं जो कार्य कर रही हूँ उसे मैं कंपनी कह सकूँ, जो मैं बनाना चाहती हूँ उसे मैं कंपनी कह सकूँ, ये बताने का काम ये धारा 2 उपधारा 20 के अधिनियम के अंतर्गत बताए गए हुए हैं। तो ऐसी अगर कुछ कंपनी या ऐसा कोई निगम इन उपधाराओं को देखकर बनाया गया है तो आप उस निगम को क्या कह सकते हो, या उसे आप क्या कह सकते हो, कंपनी। ठीक है, तो कंपनी यानी क्या है, जो इसके अंतर्गत जिसकी स्थापना हुई है, इसको देख के जिसकी स्थापना हुई है वो होती है कंपनी। पर क्या 2013 ये हम लोग क्या कह रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013, उसमें जो बताए हुए प्रावधान है उसके अनुसार अगर स्थापना की जाती है तो ये वो कंपनी है। तो क्या उसके पहले इतनी सारी जो कंपनियां बनी, क्या अभी उसका अस्तित्व नहीं रहा? तो नहीं, उनका भी अस्तित्व है, इसीलिए ये आगे जाके ये परिभाषा ये बोलती है या फिर यानी एक तो ऐसे हो सकता है, या तो किसी पहले के कंपनी कानून के अधीन, पहले के कंपनी कानून के अधीन, यानी जैसे देखिए 1956 में भी कोई कंपनी का प्रावधान स्थापना हुई होगी, 1956 के भी पहले कोई कंपनी का ये था उसमें भी उस कंपनी की स्थापना हुई होगी। तो ये जो कंपनियां हैं, हम जानते हैं हमारे यहाँ पे 100 साल पुरानी भी कंपनियां भी अस्तित्व में है, तो ये जो कंपनियां हैं उस वक्त जो कानून उसके लिए लागू होता था उस कानून के अंतर्गत अगर उनकी स्थापना हुई है, अगर उनका समामेलन हुआ है तो भी वो क्या कहलाएगी, कंपनी। चलो फिर से देखिए, कंपनी यानी 2013 जो हमारा कंपनी एक्ट 2013 बना हुआ है, उसने कहा है कि धारा 2 उपधारा 20 के अंतर्गत जिन कंपनियों का समामेलन हुआ है वो, या फिर क्या, किसी पहले के कंपनी कानून के अधीन, किसी पहले कंपनी के कानून के अधीन का मतलब होता है कि उस वक्त जब कंपनी की स्थापना हुई थी उस वक्त जो कानून लागू हो रहा था उसी के अंतर्गत यदि उस कंपनी की स्थापना की गई हुई है तो उसे क्या कहा जाएगा, कंपनी कहा जाएगा। तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि समझिए अभी आज मैं कंपनी को अस्तित्व में लाना चाहती हूँ, 2000 अभी क्या चल रहा है 20, और मैं चाहती हूँ, इन्होंने तो कहा है किसी पहले के कंपनी कानून के अधीन, तो मैं चाहती हूँ कि जो 1956 के कानून थे उस कानून को देखकर मैं अपनी कंपनी का समामेलन करना चाहती हूँ, तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि अभी आपका क्या चल रहा है 2020, और 2020 के लिए लगने वाले प्रावधान या कानून कौन सा है उसके लिए बताया गया है पहले से जो आ गया है 2013। तो यदि अगर कोई व्यक्ति अभी कंपनी की स्थापना करता है तो उसे 2013 के अंतर्गत जो अधिनियम बताए गए हैं उसी का पालन करना होगा, ना तो 2013 के पहले जो कानून बनाए गए हैं उनका। चलिए, तो ये डेफिनेशन किसके अंतर्गत है, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो प्रावधान बताए गए हुए हैं उसका हमें अभी पालन करना होगा।
तो ये जब हम लोग देख रहे हैं, ये दो हम लोगों ने परिभाषाएं देखी हुई है, इससे हम लोग कंपनी के लक्षण जो है, या हम लोग जिसे कह सकते हैं विशेषताएं जो है वो हम लोग बता सकते हैं। सबसे पहले कह सकते हैं यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति क्यों है, मैंने पहले कहा कि वो हमारे जैसे बोलचाल नहीं कर सकती, हमारे जैसे सोच नहीं सकती, हमारे जैसे अपना काम खुद नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है वो नेचुरली हुआ है, और इसका जो जन्म हुआ है वो कैसे हुआ है, ये एक कानून के अंतर्गत हुआ है। उसे व्यक्ति तो कहा जाता है, लेकिन हमारे जैसे नेचुरल व्यक्ति वो, साधारण व्यक्ति वो नहीं हो सकती है, इसलिए उसे क्या कहा गया है, कृत्रिम व्यक्ति, जिसका निर्माण किसी कानून के अंतर्गत हुआ है और जिसका समापन भी किसके अंतर्गत होगा, एक कानून के अंतर्गत ही होगा। कार्य क्षेत्र की सीमा, कार्य क्षेत्र की सीमा ये होती है जैसे मैंने क्या कार्य करना है ये मेरे ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है। मुझे आज ये कार्य करना अच्छा लगता है, मैं वो कर सकती हूँ। मुझे कोई दूसरा कार्य करना अच्छा लगेगा तो मैं दूसरा करूंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ तो आपको पढ़ाने का काम कर रही हूँ, यहाँ से बाहर जाती हूँ तो मेरे घर के काम देखती हूँ, या तो मुझे पिक्चर देखना है पिक्चर देखूँ, या मुझे घूमने जाना है घूमने जाऊँ, मेरे ऊपर कोई रोक नहीं हो सकती, ना तो आपके ऊपर। अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको पढ़ना है, फिर आपका खाने का वक्त है तो आप खाना खाओगे। लेकिन ये कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण उससे बताना पड़ता है कि मैं सिर्फ यही कार्य करूंगा, उसके बाहर मेरा कार्य नहीं होगा। इसलिए उनके कार्य क्षेत्र की क्या होती है, सीमा होती है। और ये कार्य क्षेत्र की सीमा जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसे जो भी कार्य करना है वो उसी के अंतर्गत रह के ही उसे अपना कार्य करना होगा, उसके बाहर जाके वो अपना कार्य नहीं कर सकती। अभी क्यों नहीं कर सकती वो हम लोग देखेंगे ये प्रतिनिधित्व प्रबंध में, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये तीसरा, अविच्छिन्न उत्तराधिकारी। अविच्छिन्न उत्तराधिकारी मैं उसको भी इंग्लिश में बता दूं, इसे कहा जाता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब होता है जब तक के कानून के तहत इसका समापन नहीं होता है तब तक के ये अपना कार्य करते ही रहेगी। कार्य करते रहेगी यानी क्या है, जैसे कि देखो मैंने कहा हम लोग अपने साथ कंपनी को एक कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। जैसे मेरा कार्य कब तक के चलता रहेगा, जब तक के मैं जिंदा हूं, बराबर है। मेरा कार्य उसी वक्त खत्म हो जाएगा जब मैं नहीं हूं, ठीक है। लेकिन ये अविच्छिन्न उत्तराधिकारी, इसका कार्य उसके अंतर्गत काम करने वाले लोगों के रहने या ना रहने के ऊपर नहीं होता है। रहने या ना रहने के ऊपर यानी क्या है, जैसे कि एक कृत्रिम व्यक्ति है, अपना खुद का कार्य खुद नहीं कर सकती, तो उसे किनकी जरूरत पड़ती है, हमारे जैसे लोगों की। उसे हम लोग क्या कहते हैं, संचालक, यानी हम लोग उसे कहते हैं डायरेक्टर। ये इसे अपना अगर कार्य करना है तो किसके तरफ से करेगी, डायरेक्टर की तरफ से। तो देखिए जैसे इसका कार्य करने के लिए हमने कुछ एक नेचुरल पर्सन यानी हमारे जैसे लोगों को अपॉइंट करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये कंपनी का कार्य देखने के लिए भी अगर हमने आर्टिफिशियल पर्सन को रखा तो काम कौन करेगा, ठीक है। इसलिए उसके लिए क्या चाहिए, एक स्वतंत्र व्यक्ति होना भी, हमारे जैसे व्यक्ति होना जरूरी है। ये समझ लीजिए कि एक यहाँ पे 7 लोग हैं जो कंपनी का कार्य देख रहे हैं, वो भगवान ना करें लेकिन समझ लीजिए 7ों के 7ों कहीं ट्रिप पे गए हैं कि पिकनिक पे गए हुए हैं और एक्सीडेंट में 7ों लोगों की मौत हो जाती है, तो क्या ये 7 लोग मर गए, अब कंपनी कौन चलाएगा, कंपनी नहीं चल सकती, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कंपनी और उसमें कार्य करने वाले लोग कैसे है, अलग अलग है। तो
इसका अविच्छिन्न उत्तराधिकारी का मतलब होता है कोई आए या कोई जाए कंपनी के ऊपर उसके कोई भी असर नहीं पड़ता है, वो अपना कार्य जो है वो निरंतर रूप से करती ही रहेगी। दूसरा होता है अभियोग चलाने की क्षमता। अभियोग चलाने की क्षमता का मतलब होता है जैसे कि समझ लीजिए कि जब मुझे कुछ काम करना है, कार्य करना है, तो मुझे दूसरे लोगों के साथ करार या ठहराव करना जरूरी होता है। करार करना है, ठहराव करना है, तो हो सकता है सामने वाला जो है वो मुझे चीट करे, वो मेरे साथ कोई ऐसी गड़बड़ करे जिससे मुझे नुकसान पहुंच सकता है, बराबर है। अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाता है तो मैं क्या करती हूँ, उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जाती हूँ और उसके अगेंस्ट में केस फाइल करती हूँ। लेकिन ये कृत्रिम व्यक्ति है, बराबर है, लेकिन फिर भी इसे ये अधिकार दिया गया हुआ है कि ये किसी भी व्यक्ति के ऊपर केस फाइल कर सकता है या तो कोई दूसरा भी व्यक्ति इसके ऊपर केस फाइल कर सकता है। टू स्यू एंड टू बी स्यूड, ये होती है अभियोग चलाने की क्षमता। क्योंकि अगर हमें किसी के ऊपर कृत्रिम व्यक्ति है और उसे किसी के अगेंस्ट में कोई केस फाइल करने का अधिकार नहीं दिया हुआ है तो लोग तो उसका एडवांटेज उठाने वाले हैं, उसका फायदा उठाने वाले हैं, या तो फिर ये व्यक्ति के ऊपर अगर कोई केस फाइल नहीं कर सकता है तो ये तो कंपनी दूसरों का फायदा उठाने ही वाली है। इसलिए ये एक लक्षण दिया हुआ है कि इनको अभियोग चलाने की क्षमता है। प्रतिनिधित्व प्रबंध, क्या होता है प्रतिनिधित्व प्रबंध? जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो इसके कार्य देखने के लिए हमें कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति करना जरूरी होती है। तो व्यक्तियों की नियुक्ति जिस जो की जाती है उसे कहा जाता है प्रतिनिधित्व प्रबंध। अब ये प्रतिनिधि जो है वो कहाँ से चुने जाते हैं? ये चुने जाते हैं आपके मेंबर्स, या हम लोग उसे कह सकते हैं सदस्य, या फिर शेयर होल्डर्स, जिसे कि हम लोग कहते हैं अंशधारी। देखिए ये प्रतिनिधि किनके होते हैं, कंपनी में कौन होता है? जैसे कि एक सार्वजनिक कंपनी है, ठीक है, एक सार्वजनिक कंपनी चलाई जाती है, यानी किनके पैसों से चलाई जाती है, शेयर होल्डर्स के। अगर एक निजी कंपनी है तो उसमें कौन होना जरूरी है, मेंबर्स। एक सार्वजनिक कंपनी है तो उसके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 7 और बाकी कितने होते हैं, अगणित होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, तो अगणित, जिनकी कोई गिनती नहीं है, जितने भी चाहिए उसके शेयर होल्डर, जितने उन्होंने अपने अंश बनाए हैं उस तरह के उनके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। और मेंबर्स पहले तो 50 की सीमा थी, अभी 2013 में ये सीमा 50 से कहां तक ले आए हैं, 200 तक के। तब मुझे ये बताइए कि अग्निहित आपके अंशधारी है, क्या पूरे के पूरे अंशधारी आपके कंपनी को चला सकते हैं? कंपनी का जो रोज का कामकाज है उसे वो अंशधारी देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जितने भी अंशधारी हैं उन्हें कंपनी चलाने का अनुभव भी नहीं है, वो कंपनी को अच्छी तरह से कंपनी की देखभाल नहीं कर सकते या अच्छी तरह से चला नहीं सकते हैं। इसलिए ये जो लोग हैं वो किसका चयन करते हैं, अपने प्रतिनिधि का चयन जो है करते हैं। अब ये प्रतिनिधि, इन्हीं को कहा जाता है डायरेक्टर्स, या तो संचालक कहा जाता है। और ये जो प्रतिनिधि, इनके द्वारा जो चुने जाते हैं वही कंपनी का क्या देखते हैं, प्रबंध, यानी मैनेजमेंट जो है, कंपनी का मैनेजमेंट जो है किनके द्वारा किया जाता है, प्रतिनिधियों के द्वारा। प्रतिनिधि कौन होते हैं, जिनको शेयर होल्डर्स ने या मेंबर्स ने अपना प्रतिनिधि करके चुन के दिया है, यानी अगर उनको प्रतिनिधि या तो उन्हें डायरेक्टर बनना है तो उसके सबसे पहले उन्होंने क्या होना जरूरी है, उस कंपनी का मेंबर होना जरूरी है या तो अंशधारी होना जरूरी है। अब ये क्यों वो प्रतिनिधि अंशधारी होना या उसका सदस्य होना जरूरी क्यों है,
जैसे कि जब मेरा पैसा कहीं पे लगता है तो उस पैसे का अच्छे से उपयोग हो, वो इधर उधर ना लगे, इसलिए मैं पूरी की पूरी क्या लेती हूँ, प्रिकॉशन लेती हूँ। लेकिन समझ लीजिए कि आपने मुझे पैसे दे दिए हैं और कहा मैडम ये हमारे ज्यादा पैसे हैं, या तो हमारे पैसे हैं आप रखिए और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ला के दे दीजिए। लेकिन जब आपका पैसा है तो क्या मैं उतनी केयरफुली या उतनी प्रिकॉशन लेके क्या उस पैसे का उपयोग करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर उसमें मेरा भी पैसा लगा हुआ है तो मैं क्या चाहती हूँ, नहीं नहीं जितने मैंने पैसे लगाए हुए हैं वो कैसे होने चाहिए, उसका उपयोग सही तरीके से होना चाहिए। इसीलिए ये जो प्रतिनिधि जो होते हैं वो सबसे पहले आपके क्या होने जरूरी है, अंशधारी या सदस्य होने जरूरी है। फिर आता है लाभ के लिए ऐच्छिक संघ, एक और डेफिनेशन है उसकी, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू अर्न द प्रॉफिट। बराबर है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कैसे है, हु आर विलिंगली कम टुगेदर, यानी जो अपने खुद की इच्छा से एकत्रित हुए हैं और उनका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। मैंने अभी आपको कहा कि ये जो इतने सारे शेयर होल्डर्स है या इतने सारे मेंबर्स है वो एकत्रित क्यों हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस ऐसा करके अपना कुछ पैसा उसमें देके हम लोग उस पैसे से क्या कमा सके, लाभ कमा सके। आप किसी के ऊपर जो जबरदस्ती नहीं करते हो, ये सब लोग जो है एकत्रित कैसे हुए, खुद की इच्छा से एकत्रित हुए हैं इसीलिए, और उनका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। इसलिए कंपनी की एक विशेषता है कि लाभ के लिए ऐच्छिक संघ। लेकिन एक बात मैं और बता दूं कि सभी कंपनियों का निर्माण सिर्फ लाभ कमाने के हेतु से ही नहीं होता है, तो कई कंपनियां ऐसे भी है जो समाज की सेवा के से भी सेवा की उद्देश्य से भी उसकी स्थापना की जाती है। दूसरा है स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व। स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व क्या होता है, जैसे कि ये क्या है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, लेकिन इसका जो अस्तित्व है वो किसके तहत है, कानून के तहत उसका अस्तित्व है। इसलिए ये जो प्रतिनिधि है वो डायरेक्टर्स कहला जाते हैं, वो कंपनी नहीं कहलाए जाते हैं। कंपनी क्या होती है, अपनी खुद की विशेषताएं रखती है, अपनी खुद की आइडेंटिटी रखती है, अपना खुद का अस्तित्व रखती है, और कंपनी के नाम पे ही कार्य होते हैं, ना तो डायरेक्टर्स के या संचालकों के नाम पे कोई कार्य होता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या कहती है, अपना स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व। समझ लीजिए एक डायरेक्टर जा रहा है आपके सामने से, तो आप ये नहीं कहते वो देखो कंपनी जा रही है, आप क्या करोगे, उस कंपनी का वो डायरेक्टर जा रहा है, वो संचालक जा रहा है। कंपनी का संचालक जब हम लोग बोलते हैं तभी हमने क्या देखा है कि कंपनी का अपना खुद का अस्तित्व है। बराबर है, तो कंपनी खुद के जो असेट्स है खुद के नाम पे खरीदती है, उसकी लायबिलिटी जो होती है वो खुद के नाम से होती है। लेकिन ये जब कुछ कार्य करती है तो ये सीमा के अंतर्गत करती है, और ये सीमाएं पहले ही बताई जाती है, और उस सीमा को देख के ही ये जो संचालक है वो अपना कार्य करते हैं। यदि ये सीमा के बाहर जाके कोई कार्य करते हैं तो उसका उसकी जो जिम्मेदारी है या उसका जो उत्तरदायित्व है वो कंपनी का नहीं रहता है, तो उत्तरदायित्व रहता है फिर वो प्रतिनिधि का या तो वो डायरेक्टर का, जिसने वो निर्णय लिया है जो कि इसके बाहर है। ठीक है, इसलिए ये है स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व। फिर क्या है, सार्वमुद्रा। सार्वमुद्रा क्या होती है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन सील। अब देखिए कॉमन सील क्या होता है, कॉमन सील अभी फिर मैं एक और बात बता दूं, जैसे 2015 में एक संशोधन हुआ है और उस संशोधन में ये कहा गया है कि अभी सार्वमुद्रा का होना अनिवार्य नहीं है, ये अभी ऐच्छिक हो गया है। यदि कंपनी अपना कॉमन सील रखना चाहती है तो अपना कॉमन सील रखेगी, अगर नहीं रखना चाहती है तो वो नहीं रखेगी। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, ये जो बचे हुए है सार्वमुद्रा से लेके अंश पूंजी एवं अंशधारी हम लोग कल के लेक्चर में फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।